यूपी में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का कटा टिकट, बीएसपी ने किया किनारा, नहीं मिलेगा टिकट। मायावती ने किया ऐलान, मऊ से बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भीमराज भर लड़ेंगे चुनाव, किसी बाहुबली को टिकट नहीं देगी बीएसपी। सीएम योगी ने लखनऊ में गोविंद बल्लभ पंत की प्रतिमा का किया अनावरण, लखनऊ में लोक भवन कार्यालय में लगाई गई प्रतिमा। लखनऊ में प्रियंका गांधी आज अपने सियासी मिशन में शीला कौल के घर के बाहर तैयार किया प्रियंका का काफिला। कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने के भाइयों की गुंडागर्दी, सीसीटीवी में कैद पुलिस की मौजूदगी, एक रेस्टोरेंट के कर्मचारी को पीटा, वीडियो वायरल। यूपी के बागपत में बीजेपी नेता और पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री आत्माराम तोमर की हत्या, घर में बिस्तर पर मिला शव, उनकी गाड़ी गायब। रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी में अवैध कब्जे की जमीन पर कार्रवाई शुरू, तहसीलदार ने कब्जे वाली जमीन वापस लेना शुरू किया। जौहर यूनिवर्सिटी की 400 एकड़ की से अधिक जमीन पर उठ रहा है सवाल, एडीएम ने 12.5 एकड़ जमीन से अतिरिक्त जमीन को सरकार के नाम दर्ज कराने का जारी किया था फरमान। एडीएम के आदेश के मुताबिक जौहर यूनिवर्सिटी की लगभग 1400 बीघा जमीन पर सरकारी कब्जा की गई, कार्रवाई, आजम खान और उनके परिवार पर दर्ज है 100 से ज्यादा केस। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का बयान, मिदनापुर में सीएम ममता के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेगी बीजेपी, बोले उपचुनाव में डरी हुई है ममता। आज अलीपुर में भवानीपुर सीट के लिए नामांकन भरेंगी ममता बैनर्जी, 30 सितंबर को है वोटिंग, 3 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। भवानीपुर में ममता के खिलाफ बीजेपी महिला प्रत्याशी उतारने की तैयारी। भवानीपुर उपचुनाव में बीजेपी ने सांसद अर्जुन सिंह को पर्यवेक्षक नियुक्त किया, हर वार्ड में 8 बीजेपी विधायकों की होगी तैनाती। रुद्रनील घोष प्रचार समिति के चेयरमैन बने। 22 सितंबर को अमेरिकी दौरे पर जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, 23 सितंबर को जो बाइडेन से मुलाकात संभव। 24 सितंबर को क्वाड सम्मेलन में भाग ले सकते हैं प्रधानमंत्री, 25 सितंबर को यूएन महासभा में संबोधन संभव। 32 किसान संगठनों ने की आज चंडीगढ़ में बैठक, बीजेपी को छोड़कर राजनीतिक पार्टियों को भी न्योता। राकेश टिकैत के खिलाफ बहराइच में लगे पोस्टर, हवाला और कांग्रेस से पैसा लेकर किसान आंदोलन चलाने का आरोप। गोपालगंज में रुपए बांटते तेजस्वी यादव का वीडियो वायरल, जेडीयू नेता ने ट्वीट कर उठाया सवाल। बीरभूम के टीएमसी जिलाध्यक्ष अनुव्रत मंडल का सख्त टिप्पणी, कार्यकर्ता की हत्या। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, दूसरे देशों के संसद अध्यक्षों से की मुलाकात। बाराबंकी में एआईएमआईएम के चीफ अजुद्दीन ओवैसी पर केस दर्ज, भड़काऊ भाषण और पीएमसीएम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला। लखनऊ में आज किसान संगठनों की बड़ी बैठक, आगे की रणनीति पर होगा मंथन। 4 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति, बनवारी लाल बने पंजाब के गवर्नर। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह बने उत्तराखंड के राज्यपाल, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जारी किया आदेश। नागालैंड के गवर्नर रहे आर एन रवि, अब तमिलनाडु के राज्यपाल होंगे। असम के गवर्नर जगदीश मुखी को नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार। अन्ना हजारे की उद्धव सरकार को चेतावनी, कहा 90 दिन के अंदर लोकायुक्त बिल विधानसभा से नहीं हुआ पारित तो फिर करूंगा अनशन। बाराबंकी में ओवैसी ने फिर उगले सियासी शोले, कहा बीजेपी के कहने से मुस्लिम पर हो रहे हैं अत्याचार। दिल्ली में कोई इंस्पेक्टर एनआईए का बैठकर बाराबंकी के किसी नौजवान का नाम नहीं देगा, एक टेररिस्ट है, उसके ऊपर कोई केस नहीं होगा, उसके ऊपर कोई कोर्ट से सजा भी नहीं होगी, मगर वो लिख देगा कि फुलां जैद पकड़ बाराबंकी का टेररिस्ट है तो टेररिस्ट हो गया। 2 दिन के यूपी दौरे पर लखनऊ पहुंची प्रियंका गांधी, आज पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से करेंगी मुलाकात। आज राहुल गांधी के जम्मू दौरे का दूसरा दिन, कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। माता वैष्णो देवी मंदिर के मुख्य पुजारी ने किया राहुल का सम्मान, आशीर्वाद के तौर पर भेंट की ममता की चुनरी। भोजपुरी फिल्म एक्टर दिनेश लाल निरहुआ का आजमगढ़ में दौरा, अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर पर जमकर किया हमला। करनाल में लघु सचिवालय के बाहर किसानों का धरना जारी, लाठीचार्ज का आदेश देने वाले एसडीएम को सस्पेंड करने की मांग पर अड़े।
सीसीटीवी कैमरे से आंदोलनकारी किसानों पर नजर रख रहा है प्रशासन। करनाल में जारी है इंटरनेट पर पाबंदी। आंदोलन को हरियाणा सरकार ने बताया किसानों का अधिकार। अनिल विज बोले लगातार हो रही है बातचीत। हमारे अधिकारी उनके साथ लगातार वार्ता भी कर रहे हैं। संवाद किसी भी प्रजातंत्र का अभिन्न अंग होता है। शरद पवार ने पुराने जमींदार से की कांग्रेस की तुलना। आज तक से बातचीत में बोले सियासी जमीन खिसकने की सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही है पार्टी। जम्मू कश्मीर को लेकर अमित शाह ने ली उच्च स्तरीय बैठक। एडीजी मनोज सिन्हा, सेना प्रमुख और एनएसए अजीत डोवाल रहे मौजूद। दिल्ली में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद से मिले चिराग पासवान। बुधवार को तेजस्वी यादव से की थी मुलाकात। गोपालगंज में तेजस्वी ने बिहार सरकार पर जमकर साधा निशाना। जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन को बताया बेमेल। रांची में गवर्नर से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। पार्टी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज की जांच की मांग। राजस्थान के जौर में हाईवे पर बनी इमरजेंसी लैंडिंग पट्टी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन। पहली बार हाईवे पर बनी हवाई पट्टी पर उतरे लड़ाकू विमान। जागवार सुखोई से हुई शुरुआत। 36 करोड़ की लागत से बनाया 3 किलोमीटर लंबा हवाई पट्टी। सीधे पाकिस्तान पर रखी जा सकेगी नजर। हवाई पट्टी के दोनों तरफ बनाई गई है पार्किंग। इमरजेंसी लैंडिंग होने के बाद विमानों को किया जा सकेगा पार्क। मुंबई में 19 सितंबर तक धारा 144 लागू। गणेश उत्सव में किसी जुलूस की इजाजत नहीं। महिलाओं के प्रति तालिबान फिर संकुचित विचारधारा के तहत कहा महिलाओं का काम सिर्फ बच्चे पैदा करना। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार में नहीं होगी महिलाओं की भागीदारी। तालिबान प्रवक्ता जेकरुल्ला हाशमी का बयान महिलाएं कभी मंत्री नहीं बन सकती। तालिबान ने महिलाओं से चीनी विरोध प्रदर्शन की आजादी। प्रदर्शनी में महिलाओं की शिरकत पर बिठाया पहरा। तालिबान के महिला विरोधी बयान पर भारत पर गरमाई सियासत। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह तालिबान के बयान की संघ से कर चुके हैं तुलना। दिग्विजय सिंह का ट्वीट तालिबान कहता है महिलाएं मंत्री बनाने लायक नहीं। मोहन भागवत कहते हैं महिलाओं को घर पर ही रहकर गृहस्थी संभालनी चाहिए। क्या विचारधाराओं में समानता है। ब्रिक्स सम्मेलन में उठा अफगानिस्तान का मुद्दा। पीएम मोदी ने कहा हमने काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान को बनाया। पुतिन और शी जिनपिंग की मौजूदगी में पीएम मोदी ने की अफगानिस्तान की बात। कहा क्षेत्रीय मुद्दों पर होगी चर्चा। ब्रिक्स को भविष्य में और उपयोगी बनाने के लिए उपयुक्त दिशा देगी। हम महत्वपूर्ण वैश्विक तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। ब्रिक्स देशों की बैठक में अफगानिस्तान को लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन का अलर्ट। बोले आतंक और ड्रग ट्रैफिकिंग पर नियंत्रण जरूरी। भारत की अध्यक्षता में हो रही है ब्रिक्स देशों की बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हो रहे 5 देशों के प्रमुख। देश में आज गणेश चतुर्थी की धूम। पीएम मोदी ने ट्वीट कर मंगल कामना की। लिखा हर किसी के जीवन में सुख शांति सौभाग्य और आरोग्य लेकर आए गणपति बप्पा। गणेश चतुर्थी पर राहुल गांधी ने किया ट्वीट हमारे देश की उन्नति के रास्ते का हर विघ्न दूर हो। मुंबई की गणेश गली में मुंबई के राजा का सजा दरबार। भक्तों पर चढ़ा गणपति भक्ति का रंग। बॉलीवुड सितारों ने भी गणपति भक्ति में दिखाई रुचि। अभिनेता सोनू सूद के घर पधारे गणपति बप्पा। नागपुर के टेकड़ी मंदिर में सुबह हुई गणपति बप्पा की भव्य आरती। मुंबई में गणेश उत्सव के दौरान पंडाल में भी नहीं जा सकते हैं लोग। कोरोना के मद्देनजर सरकार का फैसला। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में 15 फीट के चिंतामण गणेश की मूर्ति आस्था का केंद्र। दर्शन के लिए दूर दूर से आ रहे लोग। पुणे में गणेश चतुर्थी पर बाजारों में भीड़ कम। कोरोना गाइडलाइन के चलते सादगी से त्यौहार मनाने का फैसला। मुरादाबाद में गणेश चतुर्थी पर सजे दुकान। गणपति की मूर्ति खरीदने वालों की लगी भीड़। बढ़ गई इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख। अब 31 दिसंबर तक करदाता फाइल कर सकते हैं आईटीआर। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद भूस्खलन का संकट। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर आया पहाड़ी का मलबा। सिरोबगढ़ में पहाड़ी से गिरे बड़े बड़े पत्थरों की चपेट में आई कई वाहन। पहुंची भारी क्षति। हाईवे पर अचानक हुए भूस्खलन से कई वाहन खाई में गिरने से बाल बाल बचे। आधा खाई में लटके ट्रक का वीडियो कैमरे में कैद। रुद्रप्रयाग में भूस्खलन के बाद ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर लगा जाम रास्ता बंद। रुद्रप्रयाग में भूस्खलन के साथ ही सड़कों पर बहते दरिया का भी संकट। तेज बहाव बना मुसीबत।
यूपी के गोरखपुर में निचले इलाकों में सैलाब का संकट, डूबे दिखे घर, बार नाव से विस्थापन को मजबूर हुए लोग। गोरखपुर में बाढ़ पीड़ित विस्थापितों ने हाईवे के किनारे बनाया आशियाना, बारिश के मौसम में टेंट्स में रहने को हुए मजबूर। मुजफ्फरपुर में बच्चों में बुखार का बड़ा प्रकोप, SKMCH में रोज भर्ती हो रहे 30 से 35 बच्चे। यूपी में बुखार का कहर जारी, कानपुर में सरकारी अस्पताल के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, अस्पताल में सुविधाओं के अभाव का आरोप। कानपुर में एम्बुलेंस ड्राइवर करता रहा शराब पार्टी, मरीज ने देर होने से एम्बुलेंस में तोड़ा दम, वीडियो वायरल। देश में कोरोना संकट बरकरार, 24 घंटे में आए 34,973 मामले। देश में 24 घंटे में कोरोना से 260 की गई जान। देश में फिलहाल 3,90,646 कोरोना एक्टिव केसेस। देश में पिछले 24 घंटे में 17,87,611 लोगों का हुआ कोरोना टेस्ट। देश में अब तक 72,37,84,586 लोगों का हुआ है टीकाकरण।